यार जब भी मैं डीसी के ऊपर वीडियोस बनाने जाता हूँ तो फिर नेगेटिव क्यों हो जाता हूँ इतना? मतलब कि यार नेगेटिव न्यूज़ ही क्यों बनाता हूँ मैं? क्या मैं डीसी से प्यार नहीं करता? लेकिन देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि मैं डीसी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन भाई जैसे हालात चल रहे डीसी के, उसके वजह से कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा उसके लिए। अब देखो दोस्तों, फ्लैश मूवी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस तरह डीसी उसको लेकर परेशान हुआ पड़ा है। अभी दो दिन पहले एक न्यूज निकल कर आई थी कि वार्नर ब्रदर्स बहुत ही ज्यादा परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा कि यार फ्लैश मूवी के साथ आखिर करे क्या, क्योंकि एज़रा मिलर ने गांजा मार के कान जो कर दिया है। कौन सी ब्रांड का मारा होगा उसने? अच्छा देखो, इसके बारे में बात नहीं करते। बात देखो ये है कि अब वार्नर ब्रदर्स ये सोच रहे हैं कि वो फ्लैश मूवी के साथ आखिर करे क्या। उनके पास तीन उपाय हैं। पहला ये कि एज़रा मिलर खुद ही पब्लिक के सामने आए और बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, गांजा क्यों मारा, मतलब कि बच्चों को किडनैप क्यों किया, जो कि ऑब्वियसली वो करेगा नहीं, क्योंकि यार अगर उस बंदे के अंदर इतना दिमाग होता तो वो ऐसा काम करता ही नहीं। लेकिन मान लो कि एज़रा मिलर सामने आया और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो क्या पब्लिक उसको माफ कर देगी? तो इस ऑप्शन को खारिज किया जाए। फिर उसके बाद वार्नर ब्रदर्स का अगला ऑप्शन ये है कि वो एज़रा मिलर को इन सभी चीजों से दूर रखे, प्रमोशन वगैरह से उसको गायब रखे, उसकी बात ना करे और चुपचाप अपनी मूवी को रिलीज कर दे। लेकिन यार क्या इससे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि भाई इस बंदे ने जो कांड किया है ना, उससे पब्लिक पागल हो चुकी है। मतलब कि जिस तरह बॉलीवुड में आजकल ये बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है ना, उसी तरह एज़रा मिलर की मूवी को भी बॉयकॉट करने का ट्रेंड वहां हॉलीवुड में चलने लगेगा। बॉयकॉट हो जाएगी ये पिक्चर अगर एज़रा मिलर को मूवी में रखा गया तो। इसलिए इस ऑप्शन को भी खारिज किया जाए। लेकिन यार अब बात यह है कि अब ऑप्शन बचा क्या उनके पास? कुछ भी नहीं। और तीसरा ऑप्शन भी उनका यही है कि इस मूवी को कैंसिल कर दिया जाए, जो कि यार मुझे पसंद नहीं आएगा। और जो डीसी के डाई हार्ट फैंस हैं उनको भी ये ऑप्शन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यार क्या करूं डीसी में आपका। अब दोस्तों देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। कल का जो हमारा अंडरडॉग्स का पॉडकास्ट हुआ था, इसमें हम लोगों ने डिटेल्स में इस बारे में बात की है। और यहां पता है कि कौन आया था? हमारे इंडिया के बिगेस्ट सुपर हीरो क्रिएटर अमन भाई, यानी कि सुपर वो आए थे हमारे पॉडकास्ट में। और उस पॉडकास्ट के अंदर हमने डीसी के बारे में तो बात की ही थी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिला उनसे। यार सीनियर ही होता है, और उन्होंने बहुत कुछ हमको सिखाया, हमको मोटिवेट किया, और वो खुद भी थोड़ा सा मोटिवेट होकर गए थे। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? तो लोग खुद से देख लो भाई। ओ भाई, ठीक है, थैंक यू अमन। ओके तो आते रहना स्ट्रीम पे भाई, ये लोग बहुत मस्त लोग हैं, इनके आइडियाज बहुत यूनिक हैं, और इनके पास बहुत कुछ है भाई जो हेल्प करेगा हम सबको आगे बढ़ने में। तो और ध्यान रखना भाई, ये लोग बहुत दूर जाने वाले हैं भाई, गारंटी है मेरी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो इनको जितना तो ताकि तुम भी बोल सको कि भाई मैं फिल्मी जेडन को 23K से फॉलो कर रहा हूँ जब वो मिलियन 3 मिलियन पे हो। अंशुमन को मैं 28 से फॉलो कर रहा हूँ। मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ भाई, क्योंकि मैं तो आप सबको सब्सक्राइब कर चुका हूँ, तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ। हो गया यकीन, आ गया मजा। तो यार जाओ डिस्क्रिप्शन में, जाओ पूरा पॉडकास्ट देख लो, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको भी, क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला था। लेकिन अब आ जाओ डीसी के ऊपर। अब यार मेरे ओपिनियन में तो मूवी को कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार फ्लैश एक बहुत ही बड़ी मूवी होने वाली थी। क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछले साल डीसी फैंडम में जब इसका फर्स्ट टीजर निकल कर आया था, तब ऐसे र्यूमर्स ऐसे लीक्स आने लग गए थे कि इस फ्लैश मूवी के साथ डीसी अपने पुराने मूवीज को कैंसिल कर देगा, मतलब कि स्नाइडर वर्स को इरेज कर देगा, पुरानी मूवीज को इरेज कर देगा और एक नई यूनिवर्स की शुरुआत करेगा। और उस वक्त हम लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन यार अब जरूरत है इसकी, बहुत ज्यादा जरूरत है। ऊपर से $200 मिलियन भी खर्च हो चुके हैं और बैट गर्ल के $90 तो गए ही। तो यार अब कोई ऑप्शन नहीं है डीसी के पास सिवाय इस मूवी को रिलीज करने के। हाँ पब्लिक विरोध करेगी, लेकिन यार मूवी को मूवी की तरह ही देखनी चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। बाद में रिकास्ट कर लिया जाएगा, मूवी बन गई तो यार क्या ही कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ मैं आप सबको ये भी बता दूं कि इस मूवी की एक टेस्ट स्क्रीनिंग रखी गई थी,
जिसको बहुत ही इंजॉय किया है सबने, सबने उसके अच्छे रिव्यूज दिए हैं, लोगों को मजा आया उसको देख के। तो यार इसलिए हमको भी चांस दो उस मूवी को देखने का। लेकिन दोस्तों अब फ्लैश मूवी का क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने और वार्नर ब्रदर्स ही जाने। बाकी मुझे अगर कुछ पता चलेगा तो मैं तो आप सबको बता ही दूंगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और सुपर सुपर के साथ जो पॉडकास्ट किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके पॉडकास्ट को देखो यार, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।